हमारी धरती को ये जो आवारा पत्थर हैं जिसको हम एस्ट्रॉइड्स कहें, इनका बहुत सारा सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप ये देखें कि कितने पत्थर हैं हमारे सोलर सिस्टम में। आप देखें कि खुदा ना खास्ता थोड़ा सा एक पत्थर ने अगर हिट कर लिया ज़मीन को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि धरती को बड़ा डैमेज हो सकता है खुदा ना खास्ता। और इसी तरह ही पहले भी धरती पर काफ़ी सारे बड़े पत्थर हिट करते रहे हैं, जब धरती पर डायनासोर्स का जो है वो राज था, तो स्पेस के पत्थर नहीं आकर उनका जो है वो खत्मा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेलेक्चुअल सेंटर में आपको खुश आमदीद। वेलकम टू द इंटेलेक्चुअल सेंटर। आज का हमारा मौजू है मार्स, जिसको हम उर्दू में मरीख कहते हैं। मार्स पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि मार्स जो है, ये जो प्लानट है, ये धरती के बाद ये वाहिद प्लानट है दुनिया में अब तक हमारे सोलर सिस्टम में या हमारी यूनिवर्स में। वैसे तो काफ़ी प्लैनेट्स पाए गए हैं जहाँ पर हम रहने के चांसेस भी हैं, सिमिलर टू अर्थ काफ़ी प्लैनेट पाए गए हैं, पर वो हमारे हमसे इतना दूर हैं कि वहाँ तक पहुँचने में हम इंसान पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पहुँच सकता है। तो लिहाजा जो नियरेस्ट हमारे सोलर सिस्टम में अपना जो है मार्स है, जो प्लैनेट है, ये 24 करोड़ 81 लाख किलोमीटर दूर है। और इसका जो लाइट है, सूरज की लाइट, तकरीबन कमोपेश 14 मिनट में वहाँ पर लाइट जो है वो पहुँचती है। और इसका जो साल है, चक्कर है पूरा 687 दिन में, 687 दिन में ये पूरा चक्कर लगाता है सूरज के इर्द। तो अच्छा, इसमें फिर अब हम ये भी चलेंगे सोलर सिस्टम में, जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है कि हमने सोलर सिस्टम, 3D सोलर सिस्टम को पढ़ाना है, और अपने आने वाले बच्चों को हमने एक इंटेलेक्चुअल बनाना है, दानिश्वर बनाना है। तो अब देखें कि हमारी धरती को, जिस तरह मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी धरती को ये जो आवारा पत्थर हैं जिसको हम एस्ट्रॉइड्स कहें, इनका बहुत सारा सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप ये देखें कि कितने पत्थर हैं हमारे सोलर सिस्टम में। आप देखें कि खुदा ना खास्ता थोड़ा सा एक पत्थर ने अगर हिट कर लिया ज़मीन को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि धरती को बड़ा डैमेज हो सकता है खुदा ना खास्ता। और इसी तरह ही पहले भी धरती पर काफ़ी सारे बड़े पत्थर हिट करते रहे हैं, जब धरती पर डायनासोर्स का जो है वो राज था, तो स्पेस के पत्थर नहीं आकर उनका जो है वो ख़त्मा कर लिया। उसके बाद फिर इंसानों का, उसके साथ उसके बाद भी काफ़ी सालों तक मौसम जो है वो धरती का गर्म रहा। उसके बाद फिर लाखों सालों में ठंडा हुआ। उसके बाद फिर दोबारा ज़िंदगी ने, लाइफ जो है स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो बताने का मकसद ये था सारा कि धरती को इस तरह के जो पत्थर हैं, खलाई पत्थर हैं, इनका काफ़ी सारा सामना है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है। देखिए आप कि ये आप देखें स्पेस में कितने पत्थर हैं, ये हज़ारों के हिसाब से पत्थर हैं। तो अब साइंसदानों का ये कहना है कि फ़र्ज़ करें, अगर किसी एक परिंदे के 5-6 अंडे हैं, कि अगर उन 5-6 अंडों को आप जो है एक ही दरख्त पे रखें, और आप कहें कि भाई ये दरख्त, ये अंडे जो है वो बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चे इनमें से बच्चे पैदा होंगे, तो पॉसिबिलिटी जो रिस्क है वो हाई है कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ अगर टकराए गई अंडों से, ये जो वो घोंसला था चिड़िया का, वो अगर गिर गया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पाँचों के पाँचों अंडे जो है वो गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। तो अब उनका ये थ्योरी है कि बजाय ऐसा कि हम जो है एक साथ अंडे सारे रखें, क्यों ना हम ऐसा करें कि एक अंडा एक दरख्त पे, दूसरा अंडा दूसरे दरख्त पे, तीसरा अंडा तीसरे दरख्त पे। उससे क्या होगा, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। अगर एक एक दो दरख्त के अंडे अगर गिर भी गए, तो 3 तो अंडे हमारे फिर भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि सर्वाइवल जो है वो बरकरार रहेगा, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बरकरार रहेगी। इससे फिर इंसानियत को जो है वो दोबारा शुरुआत हो सकती है। तो अभी दुनिया का इस टाइम जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी यही है
कि मार्स पर जो है वो काफी जो कंट्रीज हैं उनके रोवर जो है, रोवर कहते हैं गाड़ी को या रोबोट होता है, जो कि उस प्लैनेट पे भेजा जाता है और वहां से पूरी की पूरी डेटा जो है वो लिया जाता है कि कितना एटमॉस्फेयर है प्लैनेट का, और वो ड्रिल वगैरह भी करते हैं, सैंपल निकालते हैं, सैंपल से फिर ये फर्दर एनालिसिस करते हैं, एक एक चीज की वो रिपोर्ट जो है वो लेते हैं। तो अभी यही इनका प्लैनेट मंसूबा है साइंसदानों का कि मार्स को इस टाइम जो है वो मार्स में माइनस में टेम्परेचर है और वो बर्फ जमी हुई है वहां पर। तो इनका यही प्रोग्राम है कि मार्स को स्टडी करके मुस्तकबिल में मार्स पर जो है वो इसका जो मौसम है वो हमारी धरती की तरह मौसम जो है वो किया जाए, फिर उसका इंसानों को वहां भेजा जाएगा और फिर जहां पर रहने के जो है चांसेस बढ़ाए जाए। तो यही मेरा आज वीडियो था, बताने का मकसद ये था कि मुस्तकबिल का जो प्लैनेट है वो मार्स ही है, मार्स पर ही जिंदगी इंसान को नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।